सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रेम फ्रॉम दिस साइड। तो आज के दिन मार्केट में एक गिरावट यहाँ पे नज़र आई है, तो उसी के साथ अभी आप देख रहे होंगे कि मार्केट अभी देखिए नीचे, मार्केट कुछ 575 पॉइंट्स बैंक निफ्टी नीचे गिरा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि आज के दिन मार्केट कहाँ जा सकता है। अभी हम ये नहीं सोचेंगे कि अभी मार्केट इतना गिर चुका है तो मार्केट अभी नीचे फिर से गिर जाएगा या यहाँ से मार्केट रिकवरी कर जाएगा। हम ये नहीं सोचेंगे, मार्केट के अनुसार यहाँ पे हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे मैं एक अच्छा सा स्कैल्पिंग आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। तो अभी मेरा व्यू पॉइंट्स क्या है यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखिए मार्केट में अगर आप देखोगे तो 1 आवर चार्ट में अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे क्या आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में यहाँ पे कई दिनों से, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कई दिनों से मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ था। उसी के साथ गैप अप के साथ मार्केट यहाँ पे सस्टेन हुआ अपर साइड में, फिर यहाँ से मार्केट एक नीचे आने की कोशिश किया और मार्केट अभी जो रेंज में मार्केट फंसा हुआ था उसी रेंज में आया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद अभी आप 15 मिनट चार्ट में अगर देखोगे तो आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है। अगर 5 मिनट चार्ट में अगर देखोगे तो मार्केट देखिए यहाँ से इस लेवल को मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट देखिए मैंने जो हाई जो मारा था यहाँ पे रेंज के बाहर जो आया था उसके साथ ही आज के दिन क्या किया, मार्केट यहाँ से बायर्स को इन्वाइट करने की कोशिश किया। ठीक है, जो बायर्स है उनको इन्वाइट करने की कोशिश किया और अपर साइड में जाने की कोशिश किया और यहीं से फिर से बायर्स का स्टॉप लॉस जो भी होगा इसके नीचे होगा, तो इसके नीचे मार्केट फिर से आया, उनके स्टॉप लॉसेस खाया, फिर थोड़ा सा होल्ड किया, फिर बायर्स को बुलाने की कोशिश किया, फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि मार्केट में अभी हम किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मार्केट देखिए जो हमने एक सपोर्ट बनाया था उसके नीचे मार्केट देखिए फर्स्ट सपोर्ट बनाया था, बायर्स को इन्वाइट किया, फिर अपर साइड में जाने की कोशिश किया और यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डब्लू पैटर्न की नेकलाइन के अपर साइड में जा नहीं पाया और यहीं से एक मार्केट अपने नीचे साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू किया। ठीक है, और उसके साथ ही अभी जो हमने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है जो कि है 43869 का, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, फिर से डाउन साइड आने की कोशिश किया। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है कि देखिए इस बार क्या किया, जो भी बायर्स थे उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे आया, सेकेंड बार क्या कर रहा है मार्केट बायर्स को बुलाया, फिर अपर साइड जाने की कोशिश किया, बायर्स आए उनके स्टॉप लॉसेस नीचे है, फिर स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे आया। तो अभी क्या करेगा, इस टाइम क्या किया था, मार्केट नीचे आया, ठीक है, बायर्स के स्टॉप लॉस खाया, फिर से नीचे आया। अभी इस बार क्या करेगा कि जो भी स्टॉप लॉसेस खाया है अभी मार्केट बायर्स को भी ट्रैप किया है और अभी जो सेलर्स रहेंगे उनको भी ट्रैप करेगा। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से अपनी अपर साइड की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, छोटा सा हम स्कैल्पिंग लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लॉन्ग चलते हैं, देखिए हमारे रेंज में मार्केट आया है, यहीं से हम लॉन्ग चलते हैं। देखिए हमारा जो टारगेट रहेगा 200 पॉइंट का टारगेट रहेगा और हमारा जो रिस्क रेशियो रहेगा वो हमारा रहेगा जो ये लो लगाया है इसके नीचे ही, मिनिमम 42 पॉइंट्स का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, तो उसी के साथ अभी देखोगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 42 पॉइंट का है और जो हमारा टारगेट है वो 200 पॉइंट्स का है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 200 पॉइंट्स का हमारा टारगेट है और स्टॉप लॉस है 42 पॉइंट का। ठीक है, जो कि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है 4:1:5 के आसपास हमारा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है। तो अभी हम देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट हमारे हिसाब से चलेगा या नहीं। ठीक है, देखिए हम छोटा सा एक स्कैल्पिंग लिया है, आप लाइव देख रहे हो, यहाँ पे कोई मतलब छेड़खानी नहीं हुई, लाइव देख रहे हो। अभी मार्केट में देखिए जो भी हमने प्रेडिक्ट किया है उसके हिसाब से ही मार्केट अपनी मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है।
तो हम अभी देखेंगे, क्योंकि देखिए मैं बहुत ज़्यादा मार्केट के मतलब महाराजा नहीं हूँ, लेकिन जो भी मार्केट को मैंने 2 साल 3 साल से 2 साल से मैंने यहाँ पे जाना है, मार्केट को कैसे मार्केट चलता है, किसको ट्रैप करता है, कब ट्रैप करने के बाद अपने मोमेंटम कंटिन्यू करता है, या कब ट्रैप करने के बाद अपने मोमेंटम को रिवर्स डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है, वो मैं जानने की कोशिश यहाँ पे 2 साल में किया है। तो मैंने इसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझाया है, क्या किया है मार्केट ने यहाँ, कि फर्स्ट फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट क्या किया है मार्केट ने यहाँ पे, एक जो हमारा रेंज का हाई था उसको यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करने की कोशिश किया, फर्स्ट बार इनवाइट किया, फिर उनको स्टॉप लॉस खाने के लिए, फिर उनको डराने के लिए यहाँ पे नीचे आया, फिर से बायर्स को इनवाइट किया, फिर अपर साइड में जाने की कोशिश किया। जैसे ही यहाँ पे बायर्स इनवाइट हुए, उसी वक्त जो भी बायर्स के स्टॉप लॉसेस इसके नीचे होगा, तो मार्केट ने स्टॉप लॉस खाने के लिए फिर से नीचे आया। जब फर्स्ट बार जो मतलब पहली बार नीचे आएगा, तब क्या करेगा, जो बायर्स ट्रैप हुए होंगे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए, और जो सेलर्स यहाँ पे घुस रहे हैं, ठीक है, तो जब सेलर्स यहाँ पे घुसेंगे तो उनका थोड़ा सा प्रॉफिट देखने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट फिर से अपर साइड में कंटिन्यू करने की कोशिश किया, मतलब यहाँ पे जो सेलर्स आए थे उनके स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर होंगे, तो उनको डराने की कोशिश किया, ठीक है। फिर से सेलर्स को इन्वाइट किया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स आने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं इसीलिए, तो फिर से यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया, और जबकि बायर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस नीचे लगे हुए हैं, तो उनके स्टॉप लॉसेस खाने के लिए यहाँ पे फिर से एक नया लो यहाँ पे मार्केट ने लगाया है। तो अभी हम जो प्रेडिक्ट किए हैं, तो मार्केट क्या है, फर्स्ट बार जो सेलर्स को यहाँ पे ये किया, बायर्स को इन्वाइट किया, सेलर्स बायर्स के स्टॉप लॉसेस खाया, सेलर्स को इनवाइट किया, अभी सेलर्स के स्टॉप लॉसेस है वो इसके अपर साइड में ही पड़े हैं, तो जो बायर्स के स्टॉप लॉसेस थे वो तो मार्केट ने अभी खाया है, ठीक है। जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस थे ये 44,071 या 80 के आसपास ही अपर साइड में है, तो इसलिए मेरा जो प्रेडिक्ट है मार्केट आज के दिन 44,071 तक इजीली जा सकता है। तो हम अभी देखते हैं कि मार्केट में हम यहीं पे बने रहेंगे, लाइव मार्केट में आपको समझा रहा हूँ कैसे हो सकता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो आपको सब समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पूरा इस वीडियो को देखना है, और देख के इस वीडियो को आपको समझना है कि मैंने क्या लॉजिक आपको बताया है, किस तरह से मार्केट ट्रैप करता है, और आपको किस तरह से चलना चाहिए। तो इसके पीछे का लॉजिक मैं इस वीडियो के पीछे का लॉजिक आपको समझाया हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो आपको बहुत ही पसंद आता है तो पूरा जो भी मेरे वीडियोस है, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस है, और जो भी टेक्निकल एनालिसिस वीडियोस है, आप पूरा देख सकते हो, उसके और उसके बाद आप भी मेरे साथ सीख सकते हो। और जो जो लोग हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलते रहेगी। और जो भी हमारा स्टॉप लॉसेस है वो हमारा स्टॉप लॉस 43,889 के आसपास है, और इसके बाद देखेंगे कि मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। सॉरी 43,828 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है, एक 42 पॉइंट का छोटा सा यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया है, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो बहुत ही बढ़िया है, और 200 पॉइंट का यहाँ पे हमको टारगेट आज के दिन मिल भी सकता है, ठीक है। हम घबराएंगे नहीं, कुछ ये नहीं करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस जाता है तो जाने दो, लेकिन हमारा जो टारगेट है 44,071 के आसपास हमारा टारगेट है, वो बने रहेगा आज के दिन के लिए हमके लिए। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं और समझते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। Thank you.
देख सकते हो कि मार्केट क्या किया है, एग्जैक्टली हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आके, देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली स्टॉप लॉस के आसपास आके, जो भी यहाँ पे आप यहाँ पे इसका भी मैं लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो यहाँ पे बाय करके गए होंगे उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, तो मार्केट स्टॉप लॉस खाने के लिए आया, उनके स्टॉप लॉसेस खाया, फिर अपर साइड में जाने की कोशिश किया, ठीक है। फिर मार्केट क्या किया, जो बाय किए थे उनको डराने के लिए फिर नीचे आया, उनको डरा के फिर से अपर साइड में चला गया। तो मार्केट क्या कर रहा है, जो भी स्टॉप लॉसेस है वो कलेक्ट कर रहा है, इसके नीचे इनके स्टॉप लॉसेस होंगे, तो मार्केट यहाँ पे आया, उनके स्टॉप लॉसेस खाया, जो भी हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस करेक्ट जगह पे यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन चल रही थी इसी के नीचे हमने एक स्टॉप लॉस यहाँ पे पुट किया। और मार्केट उसके बाद क्या किया, यहाँ पे देखिए हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है, हमने सिस्टम स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन हमारे जो मैनुअली स्टॉप लॉस रहते हैं ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, क्योंकि हमको पता है कि इसके अगर नीचे आएगा तो हम यहाँ पे हार मान जाएंगे। और मार्केट क्या किया, इसके नीचे भी आया नहीं, यहीं पे टच करके मार्केट अपने अपर साइड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी एग्जैक्टली 100% तय है कि मार्केट यहाँ से अपने एक अपर साइड को कंटिन्यू कर सकता है। और यहाँ पे हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्रेडिक्शन है मार्केट में वो सही बैठेगा या नहीं, ठीक है। अगर बैठेगा तो हम बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे आज के दिन जनरेट कर सकते हैं। 42 पॉइंट के अगेंस्ट यहाँ पे 200 पॉइंट्स का यहाँ पे हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी देखेंगे, अब आगे देखते रहिए क्या हो सकता है। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message forward. Hello friends, यहाँ पे finally क्या किया है market ने? देखिए market जो हमने prediction किया है इसके नीचे आया ही नहीं, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो इसके नीचे आया ही नहीं। मार्केट में देखिए फर्स्ट यहाँ पे कैंडल टच किया, सेकंड कैंडल टच किया, थर्ड ग्रीन कैंडल टच किया, अभी इसके बाद मार्केट में यहाँ पे बूम हो सकता है, ठीक है, बूम मार्केट यहाँ से अपर साइड में कंटिन्यू डच जा सकता है। अभी मार्केट रुक नहीं सकता, मार्केट में देखिए अभी देखिए ग्रीन कैंडल कैसे बन रही है, आप देखिए अभी मैं बता रहा हूँ आपको, बताने के बाद भी मार्केट क्या कर रहा है, अभी यहाँ से अपर साइड में कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो आप कंटिन्यूली यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे मार्केट अभी मोमेंटम दे सकता है, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू अपर साइड में जा सकता है मार्केट में और हमारा टारगेट हिट कर देगा। Just want you to be happy when someone tries to touch your scars. It doesn't seem to cure at all. Oh, nothing's gonna be any matter. I'll love you ever and day. Let's take a walk. Please don't guarantee you'll try. Nothing's wrong with crying every day. It just started a thing in the world. I say you're the destiny. Please don't guarantee your joy. Nothing's wrong with crying every day. It just started a thing in the world. I say you're the
चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि हमने दावा किया था आपके साथ कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ से मार्केट बूम हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 60 पॉइंट्स यहाँ पे आया, फिर से मार्केट नीचे आया, जो कि हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे था, ठीक है। और मार्केट यहीं से फिर से बूम हो गया और हमारे फर्स्ट टारगेट के आसपास, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट है 43,981 के आसपास है। तो हमारे फर्स्ट टारगेट के आसपास मार्केट आने की कोशिश किया है। अभी थोड़ा सा हल्का सा एक स्पाइक देगा तो हम अपने प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और हमारा जो सेकंड टारगेट था 202 मतलब 44,080 के आसपास हमारा सेकंड टारगेट था, जो कि अभी हमारे जो कम समय के आभास में हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टारगेट पे ही निकलने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है बहुत ही जल्दी हमारा हिट होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप बहुत ही सतर्क और सावधान रहे और फर्स्ट टारगेट के आसपास आप अपने फर्स्ट प्रॉफिट पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। और उसके बाद आपका जो अगला टारगेट होगा वो आप वेट कर सकते हो, या अपने फर्स्ट टारगेट में ही आपका फुल एंड फाइनल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो जो भी चैनल पीडीपी ट्रेडर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और जो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है।
थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारा जो भी फर्स्ट टारगेट होगा वो अचीव होगा और सेकंड टारगेट के लिए वेट करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए 109 पॉइंट्स 42 के अगेंस्ट 109 पॉइंट्स, यहाँ पे 1:2 का पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहा है, हम प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टारगेट अचीव्ड आप देख सकते हो, जो हमारा पार्शियल टारगेट है वो अचीव्ड हो चुका है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। हमारा फर्स्ट टारगेट डन, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारा अचीव हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बढ़िया से, कितनी बढ़िया से हमने, कितनी आसानी से यहाँ पे 100 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, ठीक है। थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बाजू वाले बेल आइकन नोटिफिकेशन पे दबा सकते हो, क्योंकि सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आएगा वो बहुत ही वैल्यूएबल नोटिफिकेशन आएगा, तो आप इस वीडियो से आप लाभ उठा सकते हो। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे वीडियोस के लिए जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगी, हम बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को अगर देखने से पहले इसको लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक प्रेडिक्शन करके बताया था, और जो हमने इस ट्रेड में बनाया है, आप देख सकते हो जैसे कि इस मूव को हमने कैप्चर किया, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिला, जो कि हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस था 42 पॉइंट्स का, फिर भी आप देख सकते हो 340 पॉइंट्स यहाँ पे अपर साइड में मोमेंट दिया है। 202 का हमारा प्रॉफिट यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट हमने 43981 के आसपास बुक किया है, और जो हमारा फर्स्ट सेकेंड टारगेट था 4471 का फर्स्ट सेकेंड टारगेट था वो भी अचीव हुआ है, और उसके ऊपर 44200 तक मार्केट चला गया है, लेकिन हमने जो सेकंड टारगेट था यहीं पे हमने प्रॉफिट बुक किया है। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया मोमेंट यहाँ पे हमने कैप्चर किया है, और हमारा जो एनालिसिस था कितना एक्यूरेट था, 42 पॉइंट्स के अगेंस्ट आपको यहाँ पे 340 पॉइंट्स मिल गए हैं, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे मिला हुआ है, बढ़िया बढ़िया यहाँ पे मार्केट ने मूवमेंट दिया है, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।